मैं विश करने आया हूँ कैलाश को। ये इनकी पहली पिक्चर है और नवीन है। ये मेरे स्टूडेंट रहे हैं और बहुत होनहार स्टूडेंट रहे हैं, इसलिए मैं आया हूँ इनको देखने किस तरह काम इन्होंने किया है और इनको विश करने की बहुत आगे जाए। वो तो इनको बताना चाहिए क्या क्या मैंने खास सिखाया। बताओ क्या खास जी। एक ऐसी बात थी कि सर हमें एक टेप रिकॉर्डर लेने के लिए कहते थे, तब मोबाइल ज़्यादा नहीं थे, तो टेप रिकॉर्डर लेके हम बाज़ार में जाए और किसी भी इंसान की आवाज़ से उसमें रिकॉर्ड करें और उस आवाज़ की हूबहू नकल हम आके करें। सर पहले वो आवाज़ सुनते थे और बाद में हमारी आवाज़ को हम कैसे मैच करते हैं, वो कैरेक्टर कैसे हम समझ लेते हैं। तो सर हमें कोशिश ये थी कि आम जिंदगी में इंसान कैसे बोलता है, किस तरह से एक्सप्रेस करता है, कितनी इमोशंस एक थोड़े से टाइम में, मतलब जैसे अगर 4 सेंटेंस बोले हैं तो 4 सेंटेंसेस में अलग अलग इमोशंस में कैसे आम इंसान बोलता है, क्या क्या एक्सप्रेस करता है, कितनी वेरिएशंस के साथ बोलता है, कितने कलर्स। जब 5 सेंटेंस का अगर एक स्पीच है तो 5 सेंटेंसेस में ही कितने वेरिएशंस को देता है, ये सब सिखाने के उद्देश्य से जो एक एक्सरसाइज है मेरी, वो मैंने करवाई थी इनको। उसके बाद उसका हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब दिली खुशी हुई कि उन्होंने कितनी मेहनत करके ये मुकाम हासिल कर लिया है और इतने अच्छे ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं। और बहुत लोगों को पछाड़ा होगा तब इनको ये लीड रोल मिला होगा। हाँ, तो इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत दाद देता हूँ, बहुत बहुत शाबाश। अभी मेरी आने वाली है दशहरा, काफ़ी अच्छी दिलचस्प फिल्म है। नील नितिन मुकेश उसमें हीरो है, मैं विलन हूँ। ये बिहार के बैकड्रॉप पर है ये पिक्चर। बिहार में जिस तरह से पॉलिटिशियंस ने बिहार को चूसा है, उसमें बहुत सारे लालू प्रसाद यादव हैं और बहुत सारे लोग। मैं लालू प्रसाद यादव जैसा एक कैरेक्टर कर रहा हूँ, हंगामा खेज है ये कैरेक्टर, बहुत मज़ा आएगा सबको। मैं सिनेमा को रीजनल और मेन स्ट्रीम से नहीं देखता हूँ। अच्छा सिनेमा होता है और बुरा सिनेमा होता है, अच्छी फिल्म होती है, बुरी फिल्म होती है। भाषा से आप सिनेमा को अलग नहीं कर सकते। अच्छी बात यह है कि मराठी भाषा में बहुत अच्छा काम हो रहा है और ये लोग जो हैं, इन लोगों ने जो है एक पूरा का पूरा एक समूह आया है, पूरा एक ग्रुप आया है, जो एक पूरा जनरेशन है जिसने न सिर्फ अपनी भाषा में, मराठी भाषा में अच्छा काम किया, बल्कि बाकी सारी भाषाओं को, इस हिंदुस्तान की सारी भाषाओं को वो इंस्पायर कर रहे हैं, वो प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो और भी अच्छा काम करें। मैंने हाल फिलहाल में किला या कोर्ट जैसी फिल्में देखी और मैं इसमें इंस्पायर हुआ। मैं जानता हूँ मेरे आसपास के बहुत सारे डायरेक्टर्स इंस्पायर हुए हैं कि वो उस तरह का काम करें या उससे अच्छा काम करें। मैंने देखी नहीं है अभी। जी जी, ये सिर्फ मराठी सिनेमा के लिए नहीं, हिंदुस्तान के सिनेमा के लिए बहुत अच्छा एक संकेत है, क्योंकि जब हिंदुस्तान में अच्छा काम हो रहा है और जब वर्ल्ड सिनेमा के साथ वो कम्पीट कर रहा है, तो हिंदुस्तान के सारे कलाकारों के लिए किसी भी भाषा में हो, उनको एक इंस्पिरेशन मिलता है कि वो ज़्यादा अच्छे से अच्छा काम करें और अपने सिनेमा को न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के सारे कोनों में जाकर दिखाएं। और उसके लिए मिसिंग नाम है उसका, लेकिन वो उसकी रिलीज डेट अभी तय होने वाली है, लेकिन जल्द आएंगे। ये भी पूछना चाहूँगा कि काफ़ी सारे एक्टर्स इरफान हैं, नवाजुद्दीन हैं, हॉलीवुड की फिल्म में साइन कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इरफान तो आप जानते हैं यूरोसिक वर्ल्ड के बैक उसमें काफ़ी अच्छा उनका रोल है। जी 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 जी, आपकी कोई एस्पिरेशन ऐसी है या आप चाहते हैं कि बॉलीवुड में भी जो है वो करो, इंटरनेशनल आने का आपका कोई ख्वाहिश है? यार मुझे, मेरी ख्वाहिश जो है किसी भी भाषा में काम करने की है जो भाषा मुझे आती हो। लेकिन कुछ लोग काफ़ी प्रीफर करते हैं, वहाँ पर प्रीफर करने से नहीं होता है। अब मैं उसके लिए अलग से कोशिश नहीं करता हूँ और मैं नहीं, कभी भी नहीं करूँगा, क्योंकि यार बहुत साल हो गए, अब उतनी ऊर्जा नहीं बची है कि अलग कंट्री में जाके अलग ढंग से कोशिश करो। बायोपिक हो चाहे कोई भी हो, नहीं, बायोपिक नहीं, अच्छी स्क्रिप्ट में काम करना चाहता हूँ। बायोपिक इसी की भी हो, स्क्रिप्ट अच्छी हो। गांधी जी पे एक बुरी स्क्रिप्ट भी लिखी जा सकती है, अच्छी स्क्रिप्ट भी लिखी जा सकती है। नहीं नहीं, मैं उदाहरण लिया है, बात नहीं पकड़ो। धन्यवाद। अभी 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 नहीं इनके बारे में।